हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी एसटीएफ और आबकारी विभाग की टीम को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने बिजनौर थाना क्षेत्र में स्थित डीटीडीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में छापा मारा। इस छापे में यहां से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई, जिसे कोरियर के माध्यम से गैर प्रांत बिहार भेजा जा रहा था। टीम को सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ से लखनऊ के रास्ते अवैध शराब को कोरियर के माध्यम से पटना भेजा जा रहा है। इसी आधार पर बिजनौर में स्थित डीटीडीसी कंपनी के गोदाम में छापा मारा गया। यहां से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई, जिसे कोरियर के माध्यम से भेजा जा रहा था। शराब की तस्करी को रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। इस प्रकार की तस्करी न केवल गैर कानूनी है बल्कि इससे राज्य के राजस्व को भी नुकसान होता है। इस बड़ी कार्रवाई से अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह को बड़ा झटका लगा है। आने वाले दिनों में ऐसे और भी अभियान चलाए जा सकते हैं ताकि राज्य में अवैध गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके। बिजनौर से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।